आज का हमारा टॉपिक है डोज कैलकुलेशन। अभी तक हम कन्वर्टिंग मेजरमेंट यूनिट्स के अंदर कन्वर्टिंग विद इन सिस्टम, कन्वर्टिंग विद इन डिफरेंट सिस्टम, वो हम लोगों ने डील कर लिया था। अब हम नेक्स्ट डील करेंगे डोज कैलकुलेशन के बारे में कि डोज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी मेनली हम देखते हैं 3 मेथड्स का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट वन मेथड्स इसमें यूज किया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, यानी कि इसमें क्या करते हैं, रेशियो या प्रोपोर्शन के बेस पे हम ड्रग्स के डोज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाता है नेक्स्ट फार्मूला मेथड्स, जिसमें फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, ड्रग्स को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग फार्मूलाज का यूज करके। सॉलिड के लिए अलग फार्मूला, लिक्विड्स के लिए अलग फार्मूला, ड्रिप रेट निकालने के लिए अलग फार्मूला, सब फार्मूला हम लोग एक एक करके डील करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड वन आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस पे उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आज हम डील करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड्स क्या होता है, जैसे हम एक रेशियो हम पढ़ते हैं, ठीक है, 1:2, 2:4, 4:8, इस तरीके के हम रेशियो और उसके प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो उसी का हम इसमें यूज करेंगे। जैसे हम लोग पहले अपने प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ये सब सॉल्व किया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, सेम उसी को यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना होगा, है ना। लेकिन उसमें आप ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, जिसके बेस पे आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो भी आपको डोज कैलकुलेट करना होता है वो आप डोज कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, रेशियो क्या इंडिकेट करता है, दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेटेड बाय अ कोलोन, यानी कि वो किस चीज़ से सेपरेट होता है। जैसे हम अगर 1:2 लिखते हैं तो उसमें हम दो डॉट्स यानी कि कोलोन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है दोनों नंबर को एक से दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेशियो 1:2 इज द सेम एज 1:2। ठीक है, अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें या प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखें, दोनों का जो एंड रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इन अ प्रोपोर्शन, द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर कॉल्ड एक्सट्रीम, यानी कि एक प्रोपोर्शन में, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, एक प्रोपोर्शन यानी कि 1:2 = 4:8, ठीक है, ये हमारा एक प्रोपोर्शन हो गया। इसमें जो हमारा फर्स्ट यानी कि 1 और 8, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम बोल रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड एंड थर्ड नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, मीन्स बोल रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जब आप एक्सट्रीम और मीन्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे अगर एक्सट्रीम को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, 1 × 8 करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। वैसे ही अगर हम मीन्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 8, तो हमारा एंड रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि जब एक्सट्रीम्स और मीन्स को आप अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इसमें व्हेन मल्टीप्लाइंग द एक्सट्रीम्स द आंसर इज सेम व्हेन मल्टीप्लाइंग द मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल से अगर समझें, तो जैसे एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 500 mg एमोक्सिसिलिन, है ना, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब किया है किसी पेशेंट्स के लिए डॉक्टर ने, कि 500 mg हमको देना है उसको एवरी 8 आवर्स में, है ना, हर एक 8 घंटे पे हमको उसको क्या करना है, 500 mg एमोक्सिसिलिन एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, और हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्या है, द बॉटल ऑफ एमोक्सिसिलिन इज लेबल्ड 400 mg/5 ml। हमारे पास जो ड्रग्स अवेलेबल है वो कितना है, 400 mg/5 ml में है हमारे पास, लेकिन हमको देना कितना है, 500 mg हमें देना है। तो जैसे हम ये एग्जाम्पल हम इस फॉर्मूले पे अगर पुट करें, तो जैसे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड यानी कि हमें कितनी की रिक्वायरमेंट है, 500 mg की, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, हमारे पास स्टॉक में कितना वॉल्यूम है, 5 ml, ठीक है, इंटू 5 ml अपॉन स्टॉक स्ट्रेंथ, हमारे पास कितना स्टॉक है स्ट्रेंथ में, 400 mg, ठीक है, 400 mg। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2500 अपॉन 400, आपका जो होगा, जैसे हम 5 ml में अगर 400 mg दे रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6.25 ml में आपको कितना देना पड़ेगा,
ड्रग्स देना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या हो सके, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है यानी कि 500 mg की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कैसे पूरा कर पाएंगे, जब आप 5 ml के बजाय आप 6.25 ml देंगे तो वहाँ पे पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।